नमस्ते दोस्तों, विंडोज़ 10 का नया वर्जन 2020 का आ गया है और ये नया वर्जन में कुछ नया फीचर्स के साथ लॉन्च किया है कंपनी। आप लोग ऑफिशियल साइट से ये विंडोज़ 10 का नया वर्जन 2020 का डाउनलोड करके ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेन ड्राइव लगाने के बाद आप ये रूफ़ जो 3.0 है इसको ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद विंडोज़ का बूटेबल सीडी बनाएगा। मैं जैसे दिखा रहा हूँ इसमें देखिए GPT और MBR पार्टीशन है और MBR में मैं बनाया हूँ बूटेबल। तो देखिए ये ओके करने के बाद अभी ये बूटेबल हो रहा है, तो बूटेबल पेन ड्राइव हो रहा है। और ये पेन ड्राइव में बूट करने से आपका एक सबसे ज़बरदस्त फीचर्स है कि इसमें टचपैड और कीबोर्ड काम करने लगता है। लेकिन पहला वाला जो विंडोज़ 10 का जो वर्सन था उसमें नया जो लैपटॉप निकला है वो सब में काम नहीं कर रहा था, तो अभी ये न्यू वर्सन का जो OS है उसमें सब काम करेगा। तो मैं दिखा रहा हूँ F12 बटन प्रेस करने के बाद आपका ये बूट मेनू आएगा और बूट मेनू आने के साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग BIOS सेटिंग कर सकते हैं और BIOS सेटिंग करने के बाद अगर प्रेस यानी कि करेंगे तो आपका बूटिंग शुरू हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं लिनोवो का नया जो 7th जनरेशन लैपटॉप है इसको मैं फॉर्मेटिंग मारने की कोशिश कर रहा हूँ विंडोज़ 10 का न्यू वर्जन से। तो ये मैं बूटिंग सेटिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। तो बूटिंग सेटिंग करने के बाद यस कर रहा हूँ, तो यस के बाद अभी ये रिस्टार्ट हो गया है। पेन ड्राइव लैपटॉप में मैं लगा चुका हूँ, तो उसके बाद प्रेस एनी की बूट फ्रॉम सीडी आया है। प्रेस एनी की करने के बाद अभी ये बूटिंग चालू हो गया है, देखिए ये बूटिंग हो रहा है। बूटिंग होने के बाद अभी इसका जो ये जो टचपैड है ये टचपैड पहले का विंडोज़ में काम नहीं कर रहा था। विंडोज़ 7 10 या 8 कोई भी वर्जन मारने से टचपैड काम नहीं कर रहा था, एक्स्ट्रा डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन ये जो नया जनरेशन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जनरेशन 2 का जो विंडोज़ 10 वर्जन निकला है तो इसमें आपका टचपैड और कीपैड भी अच्छी तरह से काम करने लगता है पहले से ही, एक्स्ट्रा आपको ड्राइवर कोई नहीं लगता है। और इसके साथ में आपको विंडोज़ के साथ आपको ऑफिस 2019 का वर्जन भी ओरिजिनल वर्जन मिलता है, तो ये वर्जन सबसे बेस्ट है। ये देखिए प्रेस एनी की करने के बाद मैं जो सेटिंग किया था उसके ज़रिए से आप देखिए इंस्टॉल हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये भी ये परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पे, इंस्टॉल कुछ ही देर में कम्प्लीट हो जाएगा। आप लोग देखिए मैं दिखा रहा हूँ तो 77% हो गया है। तो मैं वीडियो लंबा ना हूँ इसीलिए मैं थोड़ा काट काट के दिया हूँ आप लोगों को वीडियो, तो जो बेसिक मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है, तो इंस्टॉल पूरा होने के साथ ये रिस्टार्ट हो रहा है लैपटॉप। तो आप लोग रिस्टार्ट नाउ करने से प्रेस करने से रिस्टार्ट हो जाएगा इंस्टेंटली। तो अभी मेरा ये कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है, तो कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के साथ मैं अपना जो पेन ड्राइव लगाए थे इसमें USB में तो पेन ड्राइव में निकाल लूँगा और अभी सेटिंग करूँगा। इसमें जो जो ऑप्शन आएगा उसको मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग सर्विस दिखा रहा है, स्टार्टिंग सर्विस थोड़ा टाइम दिखाने के बाद ये देखिए गेटिंग रेडी मतलब रेडी हो गया है, ये जस्ट अ मोमेंट फिर से दिखा रहा है। देखिए अभी रेडी होने के लिए पहले आप यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कीजिएगा इन यूनाइटेड स्टेट इंडिया, उसके बाद नेक्स्ट। तो अभी 2-3 सेकंड का ये टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद फिर से कोई भी आप सिलेक्ट कर सके, US सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया भी सिलेक्ट कर सके, उसके बाद फिर से नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद आपका फिर से और एक सेटिंग आ गया है। अभी देखिए दोस्तों इसमें ढेर सारा सेटिंग्स है और सेटिंग अपने हिसाब से कीजिएगा और जैसा चाहिए, मतलब आपका जो कीबोर्ड का लेआउट है वो भी सेटिंग है और लैंग्वेज का जितना भी सेटिंग है अपने हिसाब से पढ़ के आप कर सकते हैं। और इसमें देखिए मैं तो जैसा था वैसे ही नेक्स्ट कर दिया हूँ और कई कई चीज़ में मैं स्किप कर दिया हूँ। अब अगर आपको पासवर्ड देना है तो इसमें आपको अपना नाम लिखने के साथ साथ पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, अगर पासवर्ड नहीं देना है तो नेक्स्ट कर देने से ऑटोमेटिकली पासवर्ड चला जाएगा, विदाउट पासवर्ड ही आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं जैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो सब अगर आप इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो
आपको पासवर्ड मांगेगा नेट का पासवर्ड, और देने से इंटरनेट कनेक्शन चालू हो जाएगा और ये विंडो फुल्ली एक्टिवेटेड है और आपको ये ऑनलाइन एक्टिवेट करना पड़ेगा उसके सीरियल की के साथ में। तो ये जेन्युइन है और आपको ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको जेन्युइन की खरीद परचेस करने पर आपको प्रोवाइड करेगा। और ये देखिए मेरा ये विंडोज़ हो गया है, अभी ये देखिए पूरा विंडोज़ रेडी है और इसमें एमएस ऑफिस भी है और ये जेन्युइन विंडो है और ये नया वर्जन का 2020 का न्यू वर्जन का विंडोज़ है।